मम्मी की कहानियाँ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मम्मी की कहानियाँ। बकरी और बाघ। एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल के पास घास के मैदान में ले जाता था। चरवाहा रोज शाम को बकरियों का दूध दुहता था। गिल्लू नाम की एक बकरी अन्य सभी बकरियों से ज्यादा दूध देती थी। एक दिन गिल्लू अपने झुंड से दूर भटक गई। उसने एक नन्हे बाघ के बच्चे को भूख के कारण रोते देखा। गिल्लू को बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा और उसने उसे अपने बच्चे की तरह दूध पिलाया। उस दिन जब चरवाहा शाम को बकरियों का दूध दुहने लगा तो उसने सोचा, हर दिन गिल्लू सभी बकरियों में सबसे ज्यादा दूध देती थी, लेकिन आज बहुत कम दे रही है, ऐसा क्यों? गिल्लू प्रतिदिन बाघ के बच्चे को दूध देने लग गई। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए। गिल्लू अब बूढ़ी हो चुकी थी। गिल्लू बूढ़ी हो चुकी थी तो वो पेड़ के ताजे पत्तों तक नहीं पहुंच पा रही थी और गिल्लू पेड़ पर लगी रसीली और ताजी पत्तियों को खाना चाहती थी, लेकिन नहीं खा पा रही थी। वह घने जंगल में जाने लगी। चरवाहा ये जानना चाहता था कि आखिर गिल्लू कहाँ जा रही है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। गिल्लू एक बाघ के बच्चे को प्यार से चाट रही है। चरवाहा ये देखकर चौंक गया। गिल्लू हरी पत्तियां खाने के लिए बाघ पर चढ़ गई और पत्तियों को खाने लग गई। चरवाहे की समझ में आया कि हर रोज गिनी कम दूध क्यों दे रही थी और बाघ गिल्लू को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि बाघ गिल्लू को अपनी माँ समझ रहा था। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।